और उस वक्त एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, रामपुर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें अखिलेश यादव का बर्थडे मनाया गया है और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सपा कार्यालय पर बर्थडे मनाया गया है, इस वक्त ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव का बर्थडे मनाया गया है। सपा कार्यालय में आजम ने कलम से केक काटा, उसकी तस्वीरें जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं, वायरल हो रही है। बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ पर अखिलेश यादव का, इसमें आजम खान ने कलम से केक काटा है, ये तस्वीरें भी वायरल हो रही है। रामपुर की ये तस्वीरें है, सपा कार्यालय पर अखिलेश का जन्मदिन मनाया गया है और करुणा दिवस के तौर पर इसे मनाया गया है। सैयद आमिर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सैयद आमिर, अखिलेश का जन्मदिन मनाया जा रहा है, आजम खान केक काट रहे हैं। देखिए, सीधे तौर पर आजम खान ने जब केक काटा है तो इसमें दो चीजें उन्होंने की हैं। एक तो उन्होंने ये जो है बातों बातों में कहा कि पार्टी में जो है कप्तार घुस गए हैं समाजवादी पार्टी में, जिनको ठोकर मारकर राष्ट्रीय नेतृत्व बाहर निकाले, एक चीज ये। दूसरी चीज, जब वो चाकू से केक काट रहे थे उसके बाद उनके उन्होंने कलम यानी कि पेन जो था उससे उन्होंने केक काटा। तो आजम खान की हर चीज में जो है सियासी मायने होते हैं और ये दोनों सियासी मायने जिस तरह से चल रहे हैं, रामपुरी चाकू को लेकर जिस तरह से पिछली बार सियासत हुई है और अब जो है समाजवादी पार्टी में जो उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा है कि पार्टी में गद्दार जो है घुस गए हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है जो 2024 के चुनाव पे सीधा टारगेट कर रही है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो आजम खान की तरफ से केक काटा गया है अखिलेश यादव के बर्थडे पर, उसकी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं।